सो हमने अपने पिछले वीडियो में अडाप्टर पे काम किया था, रिसाइक्लर व्यू अडाप्टर और व्यू ऑर्डर पर काम किया था एंड हमने अपने तीनों स्टेप्स कंप्लीट कर लिए थे। अब हमारा जो फाइनल स्टेप है वो है कि हमें शेयर करना है अपने कोड को। तो ये हम कैसे अचीव करने वाले हैं कि हम अपने शेयर वाले आइकन जो बटन है उस पर क्लिक करने वाले हैं एंड उस पर क्लिक करने के बाद बेसिकली होगा ये कि आपने देखा होगा कि कई सारे ऐप्स में एक बॉटम कार्ड जैसा एक कंपोनेंट खुलता है एंड इट डिस्प्लेज ऑल दी एप्स। आप जिसपे वो टेक्स्ट को या फिर उस पर्टिकुलर डेटा को आप शेयर कर सकते हो। जैसे आप कोई भी चीज़ को फेसबुक के थ्रू कहीं शेयर कर सकते हो, आप उसका लिंक शेयर कर सकते हो, या फिर आप इसी यूट्यूब वीडियो को शेयर बटन क्लिक करने पर आप व्हाट्सएप या दूसरे ऐप्स पर शेयर कर सकते हो। सो ये जो फंक्शनैलिटी है उसे हम बहुत ईजिली अचीव कर सकते हैं। सो हम अपने ऐप पे ये करने कैसे करने वाले हैं कि हम अपने आइकन शेयर के बटन को क्लिक करने वाले हैं और उसको क्लिक करते ही सिमिलरली बॉटम कार्ड में ऐप्स डिस्प्ले होंगे एंड आप उस ऐप पर क्लिक कर कर अपने टेक्स्ट को शेयर कर पाएंगे। सो इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट या फिर एक क्लास के बारे में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है इंटेंट। जैसे हमने पहले रिसाइक्लर व्यू व्यू होल्डर के बारे में समझा, सिमिलरली इंटेंट के बारे में भी हम थोड़ा सा समझ सकते हैं थ्योरेटिकली। ये भी बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, मैं इसे यहीं पर लिख देता हूँ। इंटेंट ये बेसिकली हेल्प करता है टू पास डेटा बिटवीन एक्टिविटीज एंड ऐप्स। बहुत सिंपल सी चीज़ है एंड आप यहाँ पर वेरियस टाइप के एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो। जैसे कि आपको अगर ईमेल भेजना है या फिर आपको कोई मल्टीमीडिया फाइल भेजनी है, ये सारी चीज़ें जो भी है ये आप सारे कुछ इस पर्टिकुलर क्लास के हेल्प से परफॉर्म कर सकते हो। बहुत ही छोटे में, बहुत ही ब्रीफ में आपको बता रहा हूँ कि इंटेंट का मतलब क्या होता है। अब हमें अपने सिनेरियो के हिसाब से क्या करना है कि आइकन क्लिक करने पर अपने ऐप की जो वैल्यू है, अपने ऐप का जो उस पर्टिकुलर लिस्ट की वैल्यू है, हमें दूसरे ऐप के साथ शेयर करनी है। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। तो हम पहले ही हमें क्या करना है कि हमें अपने आइकन शेयर पे लिसनर लगाना पड़ेगा, क्लिक लिसनर, और उसके अंदर एक लॉजिक लिखना पड़ेगा अपने टेक्स्ट को शेयर करने का। सो प्रीवियस वीडियोस में मैंने यहाँ पे लेआउट में ऑलरेडी आइकन बनाया था, बट यहाँ पे एक माइनर सी मिस्टेक है कि हमें टूल्स यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे एंड्रॉयड ही यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये आइकन तो स्टैटिक है, ये आइकन तो स्टैटिक ही होगा, ये टेक्स्ट स्टैटिक नहीं हो सकता क्योंकि ये टेक्स्ट तो चेंज होगा अपने डेटाबेस की वैल्यूज़ के हिसाब से, बट ये आइकन तो सेम ही रहेगा हर कार्ड के लिए। तो इसलिए ये एंड्रॉयड यहाँ पर एंड्रॉयड यूज़ होगा टूल्स में। एंड अब वापस हम आते हैं यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, सिमिलरली जैसे हमने पहले किया था होल्डर डॉट आइकन शेयर, इससे हम अपने आइकन शेयर आइकन को रेफर कर रहे हैं और इस पर हम सिमिलरली जैसे हमने पहले वीडियोज़ में बटन पर लिसनर लगाया था, सिमिलरली हम अपने इमेज पर भी लिसनर लगाएंगे। अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमें यहाँ पर अपने इंटेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना है। सो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, शेयर इंटेंट, और इसमें हमें बताना पड़ेगा कि हमें कौन से टाइप का इंटेंट करना है। जैसे हमें, जब आप देख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे पास कर रहा हूँ इंटेंट डॉट, तो आप देख सकते हो कि काफी सारे ऑप्शन है, एक्शन सेंड, एक्शन आंसर, एक्शन ऑल, हेल्प, अटैच डेटा, बैटरी चेंज। तो ये आप जैसे देख सकते हो कि ये जो इंटेंट है ये तभी ट्रिगर करेगा जब आप अपनी बैटरी को चेंज कर रहे हो या फिर आपकी बैटरी का जो परसेंटेज है वो चेंज हो रहा है, या फिर बैटरी लो है या बैटरी सही है, या फिर आप कॉल पे हो या फिर कॉल बटन क्लिक कर रहे हो या कैमरा बटन क्लिक कर रहे हो। तो ये सारे जो एक्शंस है ये उस एक्शन के हिसाब से अपना फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, यानी कि जो भी उस एक्शन के रिस्पेक्ट में चीज़ें अवेलेबल है आपके फ़ोन के अंदर वो होंगी। जैसे हमारे केस में बटन दबाने पर शेयरिंग हो रही है, टेक्स्ट को हम शेयर कर रहे हैं। तो अब इस केस में टेक्स्ट को शेयर करने के लिए जो एक्शन इंटेंट करेगा वो ये होगा कि ये दूसरे ऐप्स का लिस्ट आपको प्रोवाइड करेगा। सिमिलरली दूसरे केसेस में अलग अलग चीज़ें ये प्रोवाइड करेगा। सो हमारे केस में हमें क्या करना है कि हमें एक्शन सेंड यूज़ करना है। आप देख सकते हो कि एक ऑप्शन है एक्शन सेंड और दूसरा ऑप्शन है एक्शन सेंड टू। तो ये सेंड टू है ये ईमेल के लिए, तो अगर आप इसे सेंड टू करोगे तो ये वही ऐप्स को डिफाइन आपको लिस्ट आउट करेगा जो ईमेल्स भेज सकते हैं।
बट हमारे केस में हमें वो नहीं चाहिए, हमारे केस में हमारे सारे ऐप्स चाहिए जो एक टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं, इसलिए हमने एक्शन सेंड यूज किया। अब हम अपने इस ऑब्जेक्ट को बताएंगे कि क्या टाइप का डेटा हम पास कर रहे हैं। सो हमारे केस में वो टेक्स्ट प्लेन डेटा है, तो जिस जिसने अगर आप लोगों में से किसी ने HTML CSS पे काम किया होगा तो आपको पता होगा वहाँ पर भी एक सिमिलर टाइप की चीज़ हम डिफाइन करते हैं। जब हम JSON डिफाइन करते हैं या फिर जब हम स्टाइल शीट डिफाइन करते हैं तब भी हमें ऐसे डिफाइन करना पड़ता है कि हम स्टाइल शीट को डिफाइन, जो हमारा टाइप है वो स्टाइल शीट का है। सिमिलरली हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि जो हमारा टाइप है इंटेंट का, जिस टाइप की वैल्यू हम डेटा पास कर रहे हैं वो एक प्लेन टेक्स्ट डेटा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं शेयर इंटेंट डॉट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट प्लेन। अब यहाँ पे दो पैरामीटर्स और पास करने हैं, एक तो है आपका पुट एक्स्ट्रा। अब देखिए, अब बेसिकली होता क्या है कि जब हम इंटेंट को यूज करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि हम यहाँ पर एक्टिविटीज और एप्स के बीच में वैल्यूज को पास कर सकते हैं, तो जो इंटेंट है वो भी की वैल्यू के टर्म्स में काम करती है कि हम अब एक की प्रोवाइड करते हैं वैल्यू के साथ, और जो दूसरी एक्टिविटी है वो उस की के हेल्प से वैल्यू को फेच करती है। सिमिलरली शेयर इंटेंट में भी हम यही करते हैं कि हम एक्टिविटीज, जैसे कि एक्टिविटी वन से एक्टिविटी टू में कुछ वैल्यू पास करनी है, यानी कि स्क्रीन वन से स्क्रीन टू में कोई वैल्यू पास करनी है, तो हम एक की वैल्यू के हेल्प से उसे पास करते हैं। जैसे हम दे सकते हैं कि हमारा की नेम है और वैल्यू सपोज मेरा नाम है सोहेल, और हम उसे पास करते हैं दूसरे एक्टिविटी में, तो हम अपनी जो की है नेम उससे हम सोहेल वाली वैल्यू को फेच कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ एप्स हम ये नहीं कर सकते, क्योंकि हम दूसरे ऐप को नहीं बता सकते कि आपको किस कौन सी वैल्यू खोजनी है डेटा फेच करने के लिए। अब यहाँ थोड़ा समझना पड़ेगा आपको ये चीज़ कि एक्टिविटीज़ तो हमारे ऐप के अंदर ही है, तो हम अभी डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सी एक्टिविटी कौन सी की को कॉल करके वैल्यू फेच करेगी, बट दूसरे ऐप्स ये नहीं कर सकते। दूसरे ऐप्स को ये पता ही नहीं है कि हम अगर मैंने अगर यहाँ पे कोई कस्टम की पास कर दी तो वो दूसरे ऐप्स को पता नहीं ना, व्हाट्सएप को पता नहीं कि मैं अगर कोई यहाँ से एक अपना खुद का वैल्यू पास कर रहा हूँ तो खुद की पास कर रहा हूँ तो। बट एंड्रॉयड ने क्या किया है, एंड्रॉयड स्टूडियो ने या फिर गूगल ने क्या किया है कि कुछ प्री डिफाइंड वैल्यू सेट कर दिए, यानी कुछ प्री डिफाइंड की सेट कर दिए सॉरी, जो कि हर ऐप्स को प्रोवाइडेड है, सारे ऐप्स में प्रोवाइडेड है। सो हम उस कुछ प्री डिफाइंड कीज के हेल्प से अपनी वैल्यूज को पास कर सकते हैं। सो हर की का कुछ एक मीनिंग है जो कि दूसरे ऐप को पता है। जैसे कि आप चाह रहे हो कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ, सपोज करो उसकी की है टेक्स्ट टू शो, तो व्हाट्सएप को पता है कि उसे टेक्स्ट टू शो खोजना है, ये प्री डिफाइंड है, ये एंड्रॉयड में प्री डिफाइंड है, ये हमने नहीं बनाया, ये एंड्रॉयड में प्री डिफाइंड है। सो इस टाइप की बहुत सारी कीज ऑलरेडी प्रेजेंट है। सो हमें सबसे पहले यहाँ पे डिफाइन करना है कि हमें यहाँ पे अपना टेक्स्ट को पास कैसे करना है। सो जो हमें अपनी की पास करना है उसका नाम है एक्स्ट्रा टेक्स्ट, और यहाँ पे हम कोड पास करेंगे। सो अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है ये की है और कोड वैल्यू है। सो आप दूसरे ऐप्स को पता है कि एक्स्ट्रा टेक्स्ट को कॉल करने पर उन्हें कुछ वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट है ये प्री डिफाइंड है, या मैंने नहीं बनाया, ये एंड्रॉयड में प्री डिफाइंड है। इसके साथ साथ हम एक सब्जेक्ट भी पास करेंगे कि हम हमारी जो वैल्यू है मतलब हमारा जो डेटा है उसका सब्जेक्ट क्या है। जैसे ये हो सकता है आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पर, ये तो आपके ऊपर है। जैसे मैं लिख सकता हूँ कि माय कोट्स डेटा। अब ये दो चीज़ करने के बाद हमें फाइनली क्या करना है कि हमने यहाँ पे अभी सिर्फ अपना इंटेंट को डिफाइन किया है, हमने यहाँ पे बताया है कि हमने यहाँ पे अपने इंटेंट को डिफाइन किया है, उसे टाइप प्रोवाइड किया है, उसे डेटा प्रोवाइड किया है, उसे एक सब्जेक्ट दिया है कि इस डेटा का मतलब क्या है, एंड फाइनली हमें वो बॉटम जो कार्ड खुलता है लिस्ट ऑफ एप्स उसके लिए एक फंक्शन कॉल करना पड़ेगा जो कि है स्टार्ट एक्टिविटी। बट प्रॉब्लम यह है कि वो जो फंक्शन है उसके लिए उसे एक ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी या फिर कंटेक्स्ट की ज़रूरत होती है, बट हमारे पास वो नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये एक इंडिपेंडेंट क्लास, एक अडाप्टर है, यहाँ पे हम एक्टिविटी को कहीं भी रेफर नहीं कर रहे हैं। हमारी अपनी जो करंट एक्टिविटी है जिस पर हम काम कर रहे हैं, जो मेन एक्टिविटी है, उसे हम कहीं भी रेफर नहीं कर रहे हैं। बट स्टार्ट एक्टिविटी को कॉल करने के लिए हमें एक रेफरेंस चाहिए अपनी करंट एक्टिविटी का, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक पैरामीटर देंगे एक्टिविटी जो कि ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी का टाइप होगा, एंड टॉप में जहाँ पे हम डिफाइन कर रहे हैं अपना अडाप्टर वहाँ पर दिस
पास कर देंगे। तो इससे होगा क्या कि हम अपने अडाप्टर को अपनी करंट एक्टिविटी का रेफरेंस पास कर, और यहाँ पर नीचे हम उसे इस पर्टिकुलर वेरिएबल से को फेच कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम एक्टिविटी डॉट स्टार्ट एक्टिविटी इंटेंट डॉट क्रिएट चूजर शेड शेयर इंटेंट, और इसका टाइटल दे सकते हैं हम कि शेयर कोड वाया। अब यहाँ पर हो क्या आ रहा है कि हम यहाँ पर फाइनली अपने इंटेंट को ट्रिगर कर रहे हैं। हम यहाँ पर स्टार्ट एक्टिविटी के हेल्प से एक चूजर, यानी कि क्रिएट चूजर का मतलब ये है कि आपको एक चूज करने के लिए एक लिस्ट ऑफ एप्स प्रोवाइडेड प्रोवाइड होंगी, एंड आपको उसमें से चूज करना है कि आपको कौन से ऐप को ये टेक्स्ट को पास करना है। सो एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि हम यहाँ पर पहली लाइन में अपने इंटेंट को डिफाइन कर रहे हैं, दूसरे में हम उसका टाइप प्रोवाइड कर रहे हैं, देन उसमें डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका एक सब्जेक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड फाइनली हम उसको ट्रिगर कर कर वो लिस्ट ऑफ एप्स को डिस्प्ले कर रहे हैं। सो अगर आप इसे अपने एमुलेटर में रन करोगे तो ये शायद से आपको कुछ ऐप्स ना दे। क्यों? क्योंकि आपके एमुलेटर में व्हाट्सएप और ये सारी एप्स पहले से प्रेजेंट नहीं होती है। बट अगर आप इसे अपने ऐप से या फिर आपके अपने मोबाइल से कनेक्ट करके रन करोगे तो ये सही से काम करेगा। सो मैं वो वीडियो में वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे आपको अपने फोन पे शो होगा। सो आपने देखा कि हमारा ऐप सही से काम कर रहा है, हमारी सारी फंक्शनैलिटीज़ जो बेसिक फंक्शनैलिटीज़ थी, जो एक बिजनेस के पर्सपेक्टिव से मेरे हिसाब से काफ़ी फंडामेंटल है, वो हमने सारी कवर कर ली। सो हमने रिसाइकल व्यू समझा, हमने एडिटर के बारे में पढ़ा, शेयर प्रेफरेंसेस के बारे में पढ़ा, व्यू होल्डर अडाप्टर के बारे में पढ़ा, एंड फाइनली हमने इंटेंट का हेल्प कर कर दूसरे ऐप के साथ अपने डेटा को कम्युनिकेट भी किया या पास भी किया। सो ये सारी चीज़ें फंडामेंटल सारी चीज़ें आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अपने कोई भी ऐप के आइडिया के ऊपर। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन पे मुझे बता सकते हो, मैं ट्राई करूँगा कि सारे क्वेश्चंस के आंसर्स देने का। एंड इसके बाद हम और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करेंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए ये प्लेलिस्ट को ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।